वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में तकनीकी खराबी, 5.5 घंटे की उड़ान के बाद इमरान खान के तैयारी की वापस न्यूयॉर्क में लैंडिंग। रात होटल में क्याम के बाद वतन वापसी का फैसला किया जाएगा। नई मुलाकात की What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. Two nuclear armed countries will come face to face. If a convention war starts, and anything could happen. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. India must lift this inhuman curfew. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. 80 lakh afraad janwaron ki tarah mehsoor, pehle hi ka khadsha hai. Do atomi taqatein aamne saamne aa sakti hain. Zulm ke khilaf khamosh nahi rahenge. Aakhri saans tak ladenge. Imran Khan ka General Assembly mein tareek saaz khitab. Modi told me that, you know, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated from by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. Modi is a life member of RSS. Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. मोदी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस का लाइफ टाइम मेंबर, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाला भारत खुद दहशतगर्द, बगैर सबूत पुलवामा हमले का इल्ज़ाम लगाया गया। जब भी मुज़ाकरात का वक्त आया इंडिया ने इनकार कर दिया। इमरान खान, मनी लॉन्ड्रिंग गुरबत के खात्मे में सबसे बड़ी रुकावट है। हर साल गरीब ममालिक से अरबों डॉलर अमीर ममालिक में चले जाते हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं, इमरान खान का मुतालबा। मगरिब की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की मजम्मत। जनरल असेंबली इजलास के बाद वजीर आजम की अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। आलमी इदारे पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी का नोटिस लेने पर जोर। भारत आजादी की तहरीक को दहशतगर्दी का नाम दे रहा है। 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान 500 दहशतगर्द कैसे भेज सकता है? मोदी इल्जामात से दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर से हटाना चाहता है। वजीर आजम की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मसला कश्मीर पर अमरीकी वजारत खारजा की जेली कमेटी के इजलास की तारीख का ऐलान। मकबूजा तर्जुमानी की, लॉर्ड नजीर का रद्द अमल, इमरान खान ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। मिशाल मलिक का खिराज तहसीन किया जाए। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद का अक़वामे मुत्तहिदा इजलास से खिताब, मसला ये चीनी वजीर खारजा। मोदी की तकरीर के दौरान इंसानी हकूक की तंजीमों का एहतजाज, अक़वामे मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स के बाहर वादी की आजादी के नारे, पाकिस्तानी सिख और कश्मीरी कम्युनिटी की शिरकत। मकबूजा वादी में मजलूमों की कैद का 55वां रोज, घरों में फाके, दूध और खाने के लिए बिलकते बच्चे, इंसानी अलमिया आलमी बरादरी की नजर से ओझल। जुल्म से तंग कश्मीरियों का मुसलसल कर्फ्यू के बावजूद जगह जगह एहतजाज। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से दहशतगर्दों की आमदोरफ्त में कमी, बाहमी तावुन से अम दुश्मनों को शिकस्त देना मुमकिन। कबायली अवाम उनके सहूलतकारों से होशियार रहे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मीरनशाह में इमायदीन से खिताब। कराची में बारिश के असरात बाकी, कहीं पानी तो कहीं कचरे के ढेर, कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी। करंट लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई।
आजाद कश्मीर में जगह जगह तबाही के मनाजिर, जलजले से मुतासरा इलाकों में जिंदगी बहाल ना हो सकी, बारिश ने मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी, 1600 खानदानों में खैमे और खुराक तकसीम। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, पेट्रोल 2.55 रुपये, हाई स्पीड डीजल 3.23 रुपये सस्ता करने की सिफारिश, समरी इरसाल। अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी, अशरफ गनी, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार समेत 18 उम्मीदवारों में मुकाबला, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उसैर मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। सबसे पहले आपको बताएं, न्यूयॉर्क से वतन वापसी के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई, जिसके बायस न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। वापसी पे वजीर आजम इमरान खान के तैयारे में फनी खराबी, जराए के मुताबिक तैयारे को मामली नौयत की तकनीकी खराबी की वजह से वापस न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। वजीर आजम इमरान खान सऊदी वली अहद के तैयारे पर वतन रवाना हुए थे, तैयारे में तकनीकी खराबी टोरंटो के करीब हुई। शाह महमूद कुरैशी और वफद के दीगर अरकान भी वजीर आजम के हमराह थे। वजीर आजम तकरीबन 5 घंटे पहले न्यूयॉर्क से वतन रवाना हुए थे। जराए का कहना है कि तैयारे की खराबी के बायस वजीर आजम रात न्यूयॉर्क में ही गुजारेंगे। इसी बारे बात करेंगे, ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क मुआविज़ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। मुआविज़, कहिएगा कब तक ये फनी खराबी दूर कर ली जाएगी और क्या मसरूफियात होंगी वजीर आजम इमरान खान की तब तक? देखिए, अब तक कोई ऐसी मसरूफियात तय नहीं हुई और जहाँ तक फनी खराबी का ताल्लुक है, तय यही हुआ था कि ये रात में नहीं हो सकती और अगर रात लेट हो जाएगी तो यहाँ से नहीं निकल सकते। लिहाजा यह फैसला किया गया, वहाँ कुछ देर रुकने के बाद इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को दोबारा होटल लाया गया जहाँ पहुंच चुके हैं मैनहट्टन में। जो हमारी बात जराये से जिनके साथ ही थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि वहाँ फौरी तौर पर ये चीज ठीक नहीं हो सकती थी, फनी खराबी है और कोई जहाज उस वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता था, तो इसी वजह से वो वापस आए और कल इस बात का फैसला किया जाएगा क्या इसी तैयारे की फनी खराबी को दूर करके इसी पे जाया जाए या किस कोई और जहाज ले जाया जाएगा या किसी रेगुलर फ्लाइट से जाएंगे। इस तरह पहले इनका प्लान था सऊदी एयरलाइन से आने का और उसी से वापस जाने का, तो अब ये हो सकता है कि कोई कमर्शियल फ्लाइट भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया। इस बात का फैसला किया जाएगा और अगर कोई क्याम इस वादे से पड़ता है तो फिर उनकी मुलाकातों का नया स्केड्यूल जारी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुआविज़ सिद्दीकी आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की करारदादों और शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 9 लाख इंडियन फौजियों ने 80 लाख अफराद को जानवरों की तरह महसूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने का वादा पूरा करे, जंग छिड़ी तो कुछ भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असेंबली में तारीखी खिताब कर रहे थे। Went against 11 United Nations Security Council resolutions. They went against Simla Accord, actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. Cruel things like what Narendra Modi has done. Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this to for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys. So Kashmiris will be further radicalized.
Mr. President, there will be another Palwama. And guess what? India will blame us. One of their defense ministers said there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? And why would? Don't we know that the moment there is some terrorist attack, all that will happen is there'll be further cruelty and oppression of the people of Kashmir? This is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear-armed countries will come face to face, like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If a convention war starts, and it could, anything could happen. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It's not a threat. It's a fear, worry, that where are we headed? And it is, I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination.